हेलो दोस्तों, आज का जो भारतीय टी10 लीग का जो मैच रहने वाला है दोस्तों, पाकिस्तान सुपर मार्केट वर्सेज एमएच प्रॉपर्टीज़ के बीच में ये मैच खेला जाने वाला है। इस मैच को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं दोस्तों। लास्ट मैच के अंदर कुछ की प्लेयर्स अनअवेलेबल रहे थे, उनके बारे में भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो साथ में दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। और साथ में दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर मैच की टाइम टू टाइम अपडेट इस चैनल के ऊपर मिलती ही रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करें तो लास्ट मैच के अंदर दोनों ही टीमें अपना अपना मैच हार के आई है और लास्ट मैच के अंदर बुरी तरीके से आ रही है। लो स्कोरिंग दोनों टीमें रही है लास्ट मैच के अंदर, और इतना अच्छा स्कोर भी इन्होंने नहीं किया। दोनों की टीमें बहुत बुरी तरीके से लास्ट मैच को हारी थी। इस मैच के अंदर क्या कुछ रहने वाला है दोस्तों, इन ड्रीम इलेवन टीम बनाने से पहले इनके जो की प्लेयर्स रहने वाले हैं, हो सकता है वो भी अवेलेबल हो जाएँ। तो अगर ड्रीम इलेवन टीम के बारे में बात करें तो इनके पहले जो रिकॉर्ड रहे हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर ड्रीम इलेवन की टीम क्रिएट करने वाले हैं। पाकिस्तान सुपर मार्केट के बारे में बात करें दोस्तों, लास्ट मैच की जो बैटिंग लाइनअप रही थी उसके बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद में हम इनके जो की प्लेयर्स रहने वाले हैं उनको भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं दोस्तों। लास्ट मैच के बारे में बात करें तो पाकिस्तान सुपर मार्केट की जो बैटिंग लाइनअप रही थी उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे दाऊद इजाज ने लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग की थी दोस्तों। लास्ट मैच के अंदर डक पर आउट हो गए थे, बाकी इनका रिकॉर्ड भी 13 मैच के अंदर 146 रन इनके नाम रहे हैं टी10 के अंदर। कमर अवान ने अच्छी पारी खेली थी दोस्तों लास्ट मैच के अंदर, कैप्टन दिया था मैंने लास्ट मैच के अंदर, 40 रन इन्होंने बनाए थे दोस्तों लास्ट मैच के अंदर। 7 मैच के अंदर 115 रन, 8 विकेट इनके नाम रहे, बाकी ये पूरे दो ओवर अभी आपको ये करके देने वाले हैं। अब्दुल हफीज अफरीदी नंबर 3 के ऊपर आए थे दोस्तों, 6 रन बना के ये आउट हो गए थे और 2 ओवर भी इन्होंने किए थे। 1 विकेट जो मिला था दोस्तों इस टीम को, वो केवल अब्दुल हफीज अफरीदी ने भी निकाला था, वो एकमात्र विकेट इस टीम को मिला था लास्ट मैच के अंदर। जिसान अकमल के बारे में देखो दोस्तों, 8 मैच के अंदर 77 रन, 6 विकेट इनके नाम रहे, लास्ट मैच में नंबर 4 के ऊपर ये खेलने आए थे और पूरे के पूरे 2 ओवर भी आपको ये करके देने वाले हैं। लास्ट मैच के अंदर 1 ओवर इन्होंने किया था। अब्दुल्ला अजहर के बारे में देखें दोस्तों, 5 मैच में 79 रन, 2 विकेट इनके नाम रहे, लास्ट मैच के अंदर इनको बहुत ज़्यादा पेला गया था दोस्तों। लास्ट मैच में 2 ओवर इन्होंने किए थे, 50 रन इन्होंने खर्च किए थे 2 ओवर के अंदर। मोहम्मद अदनान खान कोई काम के नहीं है दोस्तों, ना ये बैटिंग करते ना ये बॉलिंग करते हैं, कोई काम के प्लेयर नहीं रहने वाले। जॉर्डन सैमुअल का रिकॉर्ड दोस्तों अभी तक नहीं मिला है, अगर जो भी रिकॉर्ड मिलेगा दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टी20 का रिकॉर्ड इनका मिला है, टी20 का रिकॉर्ड आपको चाहिए तो वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भेज दूंगा। लास्ट मैच में ना इन्होंने बॉलिंग की थी ना इनकी बैटिंग आई थी लास्ट मैच के अंदर। एम कदीम के बारे में देखें दोस्तों, 1 मैच इन्होंने खेला, लास्ट मैच जो रहा था टी10 का, कोई विकेट नहीं, कोई रन नहीं, ना इनको बॉलिंग। लास्ट मैच में 1 ओवर इन्होंने किया था, 12 रन दिए थे इन्होंने, बैटिंग इनकी आई नहीं थी लास्ट मैच के अंदर। गुलरियाज यासिन के बारे में देखें दोस्तों, 2 मैच के अंदर 17 रन, 1 विकेट इनके नाम रहा है, लास्ट मैच के अंदर इनकी बॉलिंग भी नहीं आई थी, लास्ट मैच के अंदर इनको बॉलिंग नहीं दी गई थी। इरशाद हुसैन ने 11 मैच में 6 विकेट निकाले दोस्तों, थोड़ा सा ये अच्छा प्लेयर रह सकता है अगर दूसरे प्लेयर्स के साथ में कंपेयर करें तो। 11 मैच में 6 विकेट इनके नाम रहे, लास्ट मैच में 1 ही ओवर इनको करने को मिला था। अली अफरीदी की बात करें दोस्तों, 1 मैच में कोई विकेट इनके नाम नहीं रहा है, लास्ट मैच में पहला ओवर इन्होंने किया था, 15 रन इन्होंने खर्च किए थे लास्ट मैच के अंदर। इनके जो एक्स्ट्रा प्लेयर रहने वाले दोस्तों वो भी इस मैच के अंदर अवेलेबल रह सकते हैं, उनके बारे में बात करें दोस्तों, वो रहने वाले हैं सैफुल्ला नूर, जो कि आपको ड्रीम इलेवन में मिलेंगे सैफ वुड के नाम से। 18 मैच में 18 विकेट इनके नाम रहे हैं, ये पावर प्ले और डेथ ओवर के अंदर बॉलिंग करते हैं। इनके जो दो एक्स्ट्रा जो प्लेयर रहने वाला है वो रहने वाला दोस्तों वजाहत बुट, ये भी दोस्तों अच्छे प्लेयर रहने वाले हैं। 8 मैच के अंदर 85 रन, 4 विकेट इनके नाम रहे, ये नंबर 4-5 के ऊपर बैटिंग करते हैं, अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं, बाकी अगर खेलेंगे तो पूरे 2 ओवर आपको ये करके देने वाले हैं। अमीर आजमा लास्ट मैच के अंदर अवेलेबल नहीं थे, 32 मैच में 504 रन, 14 विकेट इनके नाम रहे हैं, ये भी अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों, अच्छी हिटिंग ये भी कर लेते हैं, रिसेंटली अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, हो सकता है इस मैच के अंदर ये अवेलेबल हो जाएँ। आसिफुर रहमान ने 3 मैच में 30 रन बनाए हैं, वहीं पर राजा फरजान बुट भी अच्छे प्लेयर रहने वाले दोस्तों, अभी तक टी10 मैच नहीं खेला है इन्होंने, 14 मैच में 23 विकेट इनके नाम रहे हैं टी20 के अंदर। जैसा कि आपको बुखाते टी20 लीग के अंदर याद होगा कि कितनी अच्छी लय में ये चल रहे थे, हो सकता है इस मैच के अंदर ये अवेलेबल हो सकते हैं इस मैच के अंदर। हेमंत प्रॉपर्टीज़ के लास्ट मैच की जो बैटिंग लाइनअप रही थी दोस्तों, उसमें क्या कुछ रहा था वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट मैच की लास्ट मैच में ये भी बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, डीसी स्टारलेट अंडर 19 की टीम से ये हार गए थे, मात्र 65 रन पे 8 विकेट खोए थे इन्होंने 10 ओवर के अंदर। अरुण अल्ताफ इनके की बैट्समैन रहने वाले दोस्तों, लास्ट मैच में 12 रन बना के जल्दी आउट हो गए थे, 6 मैच में 151 रन इनके नाम रहे हैं। ऋषभ खरे ने लास्ट मैच में ओपनिंग की थी, 4 रन बना के ये भी आउट हो गए थे, 11 बॉल इन्होंने खाई थी, 1 मैच में 4 रन इनके नाम रहे हैं। राकेश रावत को 3 नंबर पर भेजा था दोस्तों, लास्ट मैच में बॉल इन्होंने भी बहुत सारी खाई थी दोस्तों लास्ट मैच के अंदर,
21 बॉल इन्होंने खाई थी और 25 रन इन्होंने बनाए थे। बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस इनकी रही थी। मोहित वकार के बारे में देखिए दोस्तों, पाँच मैच के अंदर 2 विकेट इनके नाम रहे हैं। लास्ट मैच के अंदर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी नहीं रही थी, 3 रन बना के ये भी जल्दी ही आउट हो गए थे। अंकित शर्मा का पहला मैच रहा था दोस्तों, लास्ट मैच कोई विकेट नहीं, कोई रन नहीं, 0 रन के ऊपर पहली बॉल के अंदर ये आउट हो गए थे। साकिब अशरफ की बात करें दोस्तों, 3 मैच के 57 रन इनके नाम रहे हैं। हो सकता है दोस्तों ये आपको थोड़ा सा टॉप ऑर्डर के अंदर खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन लास्ट मैच में 4 बॉल के ऊपर 7 रन बना के जल्दी आउट हो गए थे। हो सकता है ये आपको इस मैच के अंदर नंबर 3-4 के ऊपर खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। अमित नेगी का रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है दोस्तों T20 के अंदर, 96 मैच के अंदर 1517 रन, 114 विकेट इनके नाम रहे। लास्ट मैच के अंदर एक ओवर इन्होंने किया था, 20 रन इन्होंने खर्च किए थे लास्ट मैच के अंदर। एफ साफी के बारे में देखा दोस्तों, 3 मैच के अंदर 12 रन, 1 विकेट इनके नाम रहा। लास्ट मैच के अंदर इनकी भी अच्छी खासी पिटाई हुई थी लास्ट मैच के अंदर, लास्ट मैच में इन्होंने एक ओवर किया था, 24 रन इन्होंने खर्च किए थे लास्ट मैच के अंदर। ताया अहमद ने 7 मैच में 48 रन, 8 विकेट इनके नाम रहे। लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर इन्होंने किए थे दोस्तों, 1 विकेट इन्होंने निकाला था। बाकी ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। लास्ट मैच में इनकी बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा लो ऑर्डर के अंदर आया था दोस्तों, वहाँ पर ये बैटिंग नहीं कर पाए थे। मोहम्मद फरहान ने 5 मैच में 2 विकेट निकाले हैं, लास्ट मैच के अंदर 2 रन इन्होंने बनाए थे। बाकी बॉलिंग की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर इन्होंने बॉलिंग भी 2 ओवर किए थे, 1 विकेट भी इन्होंने निकाला था। कृष्णा बी के बारे में देखें दोस्तों, 3 मैच के अंदर 5 विकेट इनके नाम रहे। लास्ट मैच में 2 विकेट ये निकाल गए थे T10 के अंदर। इनके जो एक्स्ट्रा प्लेयर रहने वाले हैं दोस्तों, वो रहने वाले हैं उनके अंदर जो की प्लेयर रहेंगे दोस्तों, अजीज़ अंसारी इनके की प्लेयर रहने वाले हैं। 5 मैच में 152 रन इनके नाम रहे हैं T10 के अंदर। मोहम्मद फराज ने 9 मैच में 13 विकेट निकाले हैं T10 के अंदर। अगर ये अवेलेबल रहते हैं तो ज़रूर इनको पिक कीजिएगा। बाकी इनके एक्स्ट्रा जो प्लेयर रहने वाले हैं उनका रिकॉर्ड भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, इनको भी आप अपनी टीम के अंदर रख सकते हैं अगर ये अवेलेबल रहते हैं तो। बाकी अगर ड्रीम इलेवन टीम के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे अरुण अल्ताफ और दाऊद जहाँ दोनों के दोनों ओपनर हैं, और टीम दोनों की दोनों ही लास्ट मैच के अंदर 2 परफॉर्मेंस इनकी रही थी, तो वह उनको देखते हुए दोस्तों यहाँ पे दोनों के दोनों विकेट कीपिंग के लिए अच्छी ऑप्शन यहाँ पे रहने वाली है। आप दोनों को यहाँ पे पिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों दोनों को यहाँ पे पिक करने वाला हूँ, दोनों के दोनों ओपनर हैं। अगर 20-25 रन ही दोनों ने बना दिए तो भी आपके लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये रहने वाली है। बाकी शॉर्ट फॉर्मेट रहने वाला दोस्तों, T10 मैच के अंदर 20-25 रन भी काफ़ी रहते हैं अगर कोई प्लेयर बनाता है तो। बैट्समैन के बारे में बात करें दोस्तों, आर रावत को फिलहाल मैंने यहाँ पे पिक किया है। हो सकता है इनकी जगह मैं किसी और प्लेयर को भी ले सकता हूँ अगर लाइनअप के अंदर कुछ चैलेंजर रहे तो। आर रावत ने लास्ट मैच के अंदर दोस्तों नंबर 3-4 के ऊपर ये खेले थे, अच्छी हिटिंग भी इन्होंने की थी, लेकिन बॉल इन्होंने बहुत ज़्यादा खाई थी लास्ट मैच के अंदर। लास्ट मैच में 21 बॉल इन्होंने खेली थी, नंबर 3 के ऊपर खेले थे, 25 रन इन्होंने बनाए थे। कमर अवान की बात करें दोस्तों, टॉप ऑर्डर के अंदर खेल रहे हैं, अच्छी ऑप्शन रहेगी दोस्तों ग्रैंड लीग टीम के अंदर। बाकी आपको 2 ओवर भी आपको ये करके देने वाले हैं। लास्ट मैच में 40 रन इन्होंने बनाए थे। कैप्टन वॉइस कैप्टन के लिए भी अच्छी ऑप्शन यहाँ पे रहने वाली है। मोहम्मद अदनान खान को बहुत सारे लोगों ने पिक कर रखा है दोस्तों, मैं इनको नहीं लेने वाला, ना ये बैटिंग करेंगे ना ये बॉलिंग करने वाले। ऐसा सिर्फ अच्छी ऑप्शन रहने वाले दोस्तों, लेकिन लास्ट मैच के अंदर बहुत ज़्यादा लो ऑर्डर के अंदर ये खेले थे। हो सकता है इनकी टॉप ऑर्डर के अंदर बैटिंग आ सकती है दोस्तों इस मैच के अंदर अगर कुछ अपडेटेड रहता है तो। मैंने यहाँ पर दोस्तों जिसान कमल को यहाँ पे पिक करने वाला हूँ, लास्ट मैच के अंदर नंबर 4 के ऊपर खेले थे, और हो सकता है आपको पूरी 2 ओवर भी आपको ये करके दे सकते हैं। लास्ट मैच में 1 ओवर इन्होंने किया था, 14 रन इन्होंने खर्च किए थे। यहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा प्लेयर्स की बात करें दोस्तों, वो इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर इतना इफेक्टिव नहीं रहने वाला दोस्तों। अजीज़ अंसारी थोड़ा सा एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बनता है दोस्तों अगर ये अवेलेबल रहता है तो। 5 मैच में 150 रन इनके नाम रहे हैं T10 के अंदर। अरुण गाउस भी अच्छे ऑप्शन यहाँ पे बन सकते हैं, ये अगर खेलते तो नंबर 3-4 के ऊपर ये बैटिंग करने वाले हैं। लास्ट दोनों मैचेस के अंदर 50 लगाई हुई है इनकी T20 के अंदर। ऑलराउंडर्स की बात करें दोस्तों, मोहित वकार को मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है। मोहित वकार आपको पूरे पूरे 2 ओवर आपको पूरे पूरे करके देने वाले हैं। साथ में अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें दोस्तों, थोड़ा सा नंबर 4 के ऊपर ये खेलने वाले हैं, साथ में आपको पूरे 2 ओवर आपको करके देने वाले हैं दोस्तों। लास्ट मैच में भी इन्होंने 2 ओवर 11 रन देके 1 विकेट निकाला था लास्ट मैच के अंदर। ए अजहर की बात करें दोस्तों, ये भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन लास्ट मैच के अंदर थोड़ा सा लो ऑर्डर के अंदर खेले थे, और 2 ओवर इन्होंने किए थे लास्ट मैच के अंदर, और 50 रन इन्होंने खर्च किए थे। ए अजहर की जगह आप यहाँ पे ए अफरीदी को भी आप पिक कर सकते हैं, वो भी अच्छी ऑप्शन यहाँ पे रहने वाली है। दूसरे अगर ऑप्शन की बात करें दोस्तों, अमीर आजमा अगर अवेलेबल रहते तो आप इनके साथ में जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, अच्छे प्लेयर है, हो सकता है पूरे 2 ओवर भी आपको ये करके दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा तो रिस्की टीम बनाने की आप सोच रहे हो तो आप ए नेगी को ज़रूर अपनी टीम के अंदर रखिएगा। T20 के अंदर बहुत शानदार इनकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन लास्ट मैच के अंदर 1 ओवर के अंदर 20 रन इन्होंने खर्च किए थे। हो सकता है इस मैच के अंदर आपको पूरे के पूरे 2 ओवर भी आपको ये करते हुए दिख सकते हैं इस मैच के अंदर। बॉलर्स की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच की जो परफॉर्मेंस रही थी दोनों टीमों की,
बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग मैच रहा था। तो लास्ट मैच के अंदर दोनों ही टीमें 70 रन के आसपास ही ऑल आउट हो गई थी। तो हो सकता है इस मैच के अंदर आपको बॉलर ज़्यादा काम में आ सकते हैं। और बालाकृष्णा की बात करें, बाला सुब्रमण्यम की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाले थे, पूरे 2 ओवर ये करके देने वाले। मोहम्मद फरहान भी आपको पूरे 2 ओवर करके देने वाले दोस्तों, लास्ट मैच में 1 विकेट इन्होंने निकाला था। ताहिर अहमद अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं दोस्तों, साथ में लास्ट मैच में भी 1 विकेट निकाला था और अच्छी परफॉर्मेंस इनकी T20 के अंदर भी रहती है दोस्तों, अच्छी हिटिंग भी ये कर लेते हैं अगर इनकी बैटिंग थोड़ी सी टाइम के ऊपर आ जाए तो। आई हुसैन को यहाँ पर पिक किया दोस्तों, इनका रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है दोस्तों T20 के अंदर, लेकिन लास्ट मैच में 1 ही ओवर इनको करने को मिला था। अगर इनकी जगह यहाँ पे रहता फरजान खान अगर अवेलेबल रहते थे तो आप इनको ज़रूर पिक कीजिएगा दोस्तों अपनी टीम के अंदर। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा जो प्लेयर्स की बात करें दोस्तों, इनके अंदर कोई भी अच्छा इतना प्लेयर नहीं रहने वाला। अगर प्लेयर की बात करें दोस्तों, फराज हुसैन थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बनता है, अगर ये अवेलेबल रहते तो आप इनको पिक कर सकते हैं। सैफुल्ला मुनूरपुट को आप यहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों, ये भी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। अगर ये खेलेंगे तो पावर प्ले हो रहा था उनके अंदर, 1-1 ओवर ये करने वाले हैं, अच्छी ऑप्शन यहाँ पर बनने वाली है ग्रैंड लीग टीम के अंदर। बाकी जो भी अपडेट रहेगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैंने टीम बनाई है वो लास्ट मैच की लाइनअप रही थी उसी के हिसाब से बनाई हुई है। यहाँ पे दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बात करें तो कमर अवान थोड़ा सा बेटर ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है, ओपनिंग करने वाला है, साथ में आपको पूरे के पूरे 2 ओवर भी आपको ये करके देने वाला है। लास्ट मैच में 40 रन की शानदार पारी भी इन्होंने खेली हुई है। मोइज वकार की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच में नंबर 4 के ऊपर खेलते हैं, लास्ट मैच में भी नंबर 4 के ऊपर आए थे और पूरे आपको 2 ओवर आपको करके देने वाला, लास्ट मैच में 1 विकेट भी निकाला था। और रिसेंटली दोनों के दोनों प्लेयर दोस्तों बुखाती T20 लीग और अमीरात D20 के अंदर अच्छी फॉर्म में ये चल रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अगर रिसर्च के ऊपर डिपेंड करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे विकेट कीपिंग वाले दोनों के दोनों ऑप्शन अच्छे ऑप्शन यहाँ पे बनने वाले हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गए थे तो दोनों दोनों प्लेयर ही फ्लॉप रहे थे लास्ट मैच में, लेकिन दोनों प्लेयर्स की बात करें दोस्तों, दाऊद इजाज के बारे में देखें तो रिसेंटली अमीरात D20 हुई थी उसके अंदर भी अच्छी फॉर्म में थे, और जो बुखाते T20 लीग हुई थी उसके अंदर भी अच्छी फॉर्म में ये रहे थे। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ये भी अच्छी ऑप्शन रहने वाले दोस्तों, दोनों के दोनों ही ओपनिंग करने वाले हैं तो वहाँ पे भी आपको एडवांटेज रहने वाला है। साथ में विकेट कीपिंग से अलग से आपको ये पॉइंट है, कुछ ना कुछ स्टंपिंग रनआउट या कुछ कैच आउट से वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर यहाँ पे देने वाले हैं। बाकी जो भी अपडेट रहेगा दोस्तों वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करवा दूँगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।